फिल्में तो हम देखते हैं, लेकिन फिल्मों के पीछे की मेहनत हम नहीं देख पाते कि मेकर्स फिल्मों के लिए कितना पसीना तक बहाते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एसएस राजामौली की फिल्म ट्रिपल आर के बारे में। एसएस राजामौली की फिल्मों को बड़े बजट के लिए जाना जाता है। एसएस राजामौली अपनी फिल्मों में बहुत सारा पैसा बहाते हैं। इसकी झलक हम पहले बाहुबली में देख चुके हैं और उसके बाद उनकी ट्रिपल आर मूवी में। ट्रिपल आर एक ऐसी मूवी है जिसमें राजामौली ने पैसा ही नहीं बहाया बल्कि पसीना भी बहाया है। ऐसी ही जी तोड़ मेहनत उनकी इस फिल्म में देखने को मिली है। इस फिल्म को बेहतरीन बनाने के लिए दोनों सुपरस्टार रामचरण और जूनियर एनटीआर ने काफी मेहनत की है। तो आइए नजर डालते हैं एसएस राजामौली की फिल्म ट्रिपल आर के कुछ बेहतरीन बिहाइंड द सीन्स के ऊपर। आपसे तहे दिल से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। निर्देशक एसएस राजामौली की फिल्म ट्रिपल आर के लिए दर्शकों को काफी इंतजार करना पड़ा था, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग काफी लंबी चली थी और सब्र का फल मीठा हुआ और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। ट्रिपल आर फिल्म में जूनियर एनटीआर ने भीम का किरदार निभाया था और ये किरदार निभाना आसान नहीं था। अपने इस किरदार के साथ उन्होंने पूरा न्याय करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। वहीं दूसरी तरफ रामचरण ने फिल्म में राम का किरदार निभाया था और उन्होंने भी पूरी शिद्दत के साथ फिल्म में कड़ी मेहनत की थी। जूनियर एनटीआर के लिए भीम का किरदार निभाना बहुत मुश्किल था। उन्होंने इस किरदार के लिए कई रातों की नींद कुर्बान की है। उन्होंने बताया कि इस फिल्म के इंटरवल से पहले एक खास सीन फिल्माया जाना था, जिसके लिए उन्होंने करीब 65 रातों तक शूटिंग की थी और जंगलों में खूब दौड़ लगाई थी। बल्गेरिया और वहां के जंगलों में भी इस फिल्म की काफी शूटिंग हुई है। इस दौरान फिल्म की निर्देशक राजामौली ने इन जंगलों में जूनियर एनटीआर की खूब दौड़ लगवाई थी। फिल्म के एक सीन में जब जूनियर एनटीआर ने शेर के साथ एक खास सीन फिल्माया तो उसके लिए उन्हें खूब पसीना बहाना पड़ा। फिल्म को बेहतर बनाने और भीम के किरदार के साथ न्याय करने में राजामौली और जूनियर एनटीआर ने जरा से भी लापरवाही नहीं की थी। दोनों ने इसके लिए खूब पसीना बहाया था। ये भी सच है कि इस सीन को खास बनाने में VFX की मदद ली गई थी, लेकिन इसे रियल में दिखाने के लिए निर्देशक और अभिनेताओं ने काफी मेहनत की थी और उनकी मेहनत रंग लाई और ये सीन सुपरहिट साबित हुआ। फिल्म के काफी सीन को VFX इफेक्ट्स की मदद से शूट किया गया है। जो सीन हमें एक्चुअल में नजर आते हैं उन्हें काफी तादाद में VFX इफेक्ट्स की मदद से शूट करने में डायरेक्टर ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। आप इन सीन्स को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं किसका शूट किस तरीके से हुआ है। तो दोस्तों, जाते जाते आपसे गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। और हाँ, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।